देहरादून की नवनियुक्त जिलाधिकारी सोनिका ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकता गिनवाई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता स्मार्ट सिटी के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की है। उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध खनन हो या फिर ओवर रेटिंग, सब पर रोक लगाई जाएगी और सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह का अवैध कार्य करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने जनता दरबार लगाया जिसमें 20 से 25 शिकायतें आईं जिनका समय पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। क्योंकि स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारा काम है और ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम है, कहीं ब्लॉकेज होगा कहीं ड्रेनेज नहीं होगा, तो उसकी अलग से एक बार हमें पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे इससे इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए।